राक्षस राक्षस लोग होते हैं। ये राक्षस लोग मतलब क्या, राक्षस लोग रहते क्या, दिखते कैसे हैं माता जी? लेट्स आस्क निकर, टेल मी, राक्षस लोग कैसे दिखेंगे, दिखने में कैसे रहेंगे राक्षस जैसे लोग? दांत भारे साथ डिपेंड करता है कौन से टाइम की बात कर रहे हो। आजकल तो हमारे जैसे ही दिखते हैं। ये बढ़िया कहा आपने। यस, आजकल तो हमारे जैसे ही दिखते हैं, ये तो 16 ने सही बात कही आपने। तो दिखते अपने जैसे, सोच कैसी रखते हैं? व्हाट टाइप ऑफ, वन मिनट, आई एम माय स्क्रीन इज शेकिंग टू मच, राइट? ठीक है प्रभु, ठीक है, है, एकदम ठीक है। I felt the screen is vibrating because of the fan. I'm just below the fan, na? नहीं कुछ भी नहीं हो So, रहा प्रभु जी, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, fine. Tell me, सोच में कैसा होगा? राक्षस एक सोच में वही होएगा कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है भाई, यस, आई क्या एम द हुआ? सुप्रीम वन। क्या बात है, निकलना तो एकदम भगवत गीता पढ़े बगैर भगवत गीता का पूरा ज्ञान है निकल के अंदर। Good. Anybody else would like to add? Yes, Ashna, would you like to add something? हरे कृष्णा प्रभु जी। नमस्ते। प्रभु जी एक्चुअली निखास एट द राइट थिंग। दे थिंक दे आर टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। दे हैव अ लॉट ऑफ ईगो इश्यूज आल्सो, एंड दे डोंट बिलीव इन गॉड। दे थिंक इवन इफ दे बिलीव इन गॉड, दे थिंक दैट दे आर अबव गॉड, एंड यू नो आई एम द होल एंड सोल। सो अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेयर इज योर सिस्टर? आपकी बहन कहाँ पे? सॉरी, आपकी बहन दिख नहीं रही है आज। हाँ मैं वही सोच रही हूँ वो कहाँ है। मैंने उनको सोचो मैसेज मत, किया। सोचो मत, मैं फोन आ रहा, मैं आस्क वेयर शी इज, टिल देन नो, आई लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्टेड हर, आई क्लास। टेक्स्टेड हर, शी माइट बी बिजी विद सम हाउसहोल्ड वर्क, सो आई डिड नॉट ओके, डिस्टर्ब हर। फाइन फाइन फाइन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, भगव प्लीज ओपन द भगवत गीता। जिनके पास भगवत गीता है, भगवत गीता ओपन कीजिए। 16 चैप्टर एंड वर्स नंबर विल बी 7, 16वां अध्याय और श्लोक नंबर 7। सबके पास है भगवत गीता? अगर किसी को नहीं है तो उनके गूगल करके भी देख सकते हैं, बट मेरी सबसे विनती है कि सब लोगों का अपना अपना भगवत गीता कॉपी रखें, और अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज पूजा माता जी को संपर्क करें, तो पूजा माता जी विल अरेंज फॉर सेंडिंग यू अ भगवत गीता। और अगर आप बॉम्बे में ही हैं तो आप आके पूजा माता जी से पर्सनली कलेक्ट कर सकते हैं, और आउट ऑफ स्टेशन है तो आप आपका एड्रेस एंड डिटेल्स आप भेज दीजिए, तो आपको भगवत गीता भेज दिया जाएगा। ठीक है, यस, सीमा माता जी, भगवत गीता खोल दिया आपने? प्रभु जी अभी मैंने नहीं निकाला भगवद गीता, क्यों, काम भार है? नहीं छू सकती। अच्छा, ठीक है। तो हु हैज गॉट द भगवत गीता रेडी विद हिम? ओके, आशना कुछ हैज गॉट भी, द, आई ओके, हैव यू हैव, आशा यू वेट, हर्षा यू ठीक वेट, यू वेट, है। आई टेक सीनियर्स, थोड़ा सीनियर्स को बाद में, पहले जूनियर्स को, नए जो आए हैं उनको पहले चांस मिलना चाहिए। यस, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन माता जी, द ब्लैक लाइंस। आशना, आशना रेज योर हैंड, राइट? आशना प्लीज स्पीक, यस, प्लीज। हाँ, दोज हु आर डेमोनियाक डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। नीदर क्लेनलीनेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर नॉर ट्रूथ इज फाउंड इन देम। इसके पास हिंदी कॉपी है? अच्छा, ठीक है, तो आशु माता जी पढ़े। जो असुरी है वे यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। देख लीजिए, सबसे बड़ा पहचान, असुर का पहचान क्या है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, यही उनको पता नहीं रहता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ज्ञान ज्ञान न विदु असुरः। सी, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, हमेशा है ना, दो मार्ग रहते हैं, या तो प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग। ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी? सुना है ना, प्रवृत्ति हाँ, मार्ग और निवृत्ति मार्ग, आगे बढ़ना और पीछे।
पीछे आना। हाँ नाइस। और कोई कुछ बोलिए बोलिए। या तो मतलब प्रोग्रेस होना है या फिर डिमोशन हो जाना। ना दैट इज वेयर पीपल जनरली मेक अ मिस्टेक। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप लाइक यू नो यू गो टू स्कूल, तो स्कूल में या कॉलेज में एक ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन डे होता है। एनी कोर्स यू ज्वाइन ओरिएंटेशन होता है कि देयर यू यू आर सपोज टू स्टडी, यू हैव टू अटेंड कॉलेज एट दिस टाइम, यू शुड बी प्रेजेंट एट दिस टाइम इज योर रिसेस एंड दिस टाइम यू कैन गो, इफ यू आर इन साइंस ये टाइम पे आपका प्रैक्टिकल्स होगा, और फिर डोंट्स स्कूल कॉलेज प्रेमिसेस में ये नहीं। अरे कृष्ण वो सर सॉरी प्रभु जी, वो मेरा नेटवर्क इश्यू था इसके लिए लेट हो गया। ठीक है थैंक यू। तो हाँ तो प्रवृत्तिम और निवृत्ति मतलब दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू द कॉलेज ऑल टेल्स यू ये करना है आपको और ये नहीं करना है। सिमिलरली वी हैव गॉट फोर थिंग्स विच इज टू बी डन एंड फोर थिंग्स नॉट टू बी डन। व्हाट आर द फोर थिंग्स टू बी डन, क्या क्या करना चाहिए डिवोशन में, क्या चीज करना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज ए बी सी डी। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, वेरी सिंपल है, ए बी सी डी लिख लेना, जिनके पास पेन कलम है और इंटरेस्टेड दे कैन राइट डाउन दिस, कि ये चार चीजें करनी है। दिस इज प्रवृत्तिम, और निवृत्तिम मीन्स विच इज नॉट टू डू। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। अब एसोसिएशन कौन सा एसोसिएशन करना है वो मेरे को बताइए पहले। कुछ शराबियों के साथ, कुछ गंजेड़ियों के साथ, डिवोटीज के साथ। यस, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। सो यू नो कहते हैं ना कि सब सोच विचार एक जैसे हो ना। कॉलेज में भी क्यों अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। One group has its different own way of looking at things. The other group has its own way of looking things. तो उस हिसाब से आपका बोलते हैं ना your association matters a lot. Now B stands for books. And कौन सी books? Which books? Wilson Woods. Related to God. Yes, it's only related to Shastra. You know, what's the difference between Harry Potter stories and some fictitious like Avatar jo chal raha hai aajkal. कुछ लोग अवतार देख रहे हैं तो कुछ लोग हैरी पॉटर देखते हैं, उनमें और हमारे इंडियन शास्त्र में क्या अंतर है। वो भी कहानी है ये भी कहानी है कुछ लोग कहते हैं, हालांकि कहानी नहीं है फिर भी क्या अंतर है, व्हाट्स द डिफरेंस। शास्त्र में का हकीकत हुआ है और जो मूवी वगैरह हो रचनात्मक है। ठीक है और कुछ। शास्त्र टेल यू द वे यू शुड लिव योर लाइफ। Way you live your life, okay, fine. Yes, Tanvita Mataji. Pravin, Shastra shows us how we were, how we should be living. हमारे अंदर गुण अवगुण सब कुछ मतलब how we should be behaving, and these are all fictional. They just boggle our mind, I think. You're not giving me the key words. You're not giving me the key words. Let me see. Harsha Mataji, aap boliye. Yehi Prabhu ji, ye shastra hame actually matlab sikhata hai ki hame kaise apna jeevan jeena chahiye. These films, I mean, they are just imaginary stories. You may say that, but hamare duniya mein kai sare log hain jo kehte hain ki aajkal to advertisements bhi nikal gayi hai na. चॉकलेट अपने मेड सर्वेंट को, अपने भाई को चॉकलेट्स खिलाओ,
पैकेट में चॉकलेट रख के भूल जाना, वो तो कंपनी का प्रचार है, वो तो कंपनी को अपना चॉकलेट बेचने से मतलब है, बट उसको एक एक मतलब एक अच्छा एक कवर डाल के बेच रहे हैं, कैसे दे रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो कि भाई अच्छा मतलब परोपकार करो, सीधी बात है परोपकार करो, लोगों का भला करो। तो आजकल के पिक्चरों में भी आजकल ऐसे ही कुछ होता है, परोपकार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो शास्त्र में और इसमें क्या अंतर है? याद रखना, ये जो जितने भी आप मूवीज देखते हो या हैरी पॉटर जैसे स्टोरी बुक पढ़ते हो, इनमें एक ही चीज है, दे आर ओनली गिविंग यू फैंटेसी। फैंटेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? व्हाट्स हिंदी वर्ड फॉर फैंटेसी? आई डोंट नो दैट। इट्स लाइक यू नो मन घड़क, नहीं मन घड़क इज ऑल्सो रॉन्ग, इट्स लाइक यू नो व्हाट इज इट, अभी सीमा माता जी ने वो वर्ड यूज किया था अभी, रचनात्मक ख्याली से, इट इज समथिंग अनरियलिस्टिक, काल्पनिक, काल्पनिक, यस, इट इज अन, नहीं इट्स नॉट इवन काल्पनिक, सी आर यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। आप ये समझने की कोशिश करना कि कुछ चीजें हैं जो असली जीवन पे नहीं होते, असली जीवन में नहीं होता है, ये सिर्फ फिल्मों में, हाँ एक अलग दुनिया में है जो वास्तविक दुनिया से परे है या अलग है। और हमारे शास्त्र जितने भी रचित हैं वो आपको असली दुनिया में रखते हैं, there's a difference। रामचंद्र जी भी आए थे, उनकी पत्नी का भी हरण हो गया, ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। विपत्तियां आती हैं जीवन में, ये काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। कभी सोचा था पांडवों ने सोचा था कि भाई कभी हमारा भी ऐसा वक्त आएगा कि हम दर दर की ठोकरें खाएंगे, राजा के पुत्र होने के बावजूद, चक्रवर्ती के पुत्र होने के बावजूद, और वो भी नॉट जस्ट दैट, देवताओं के अंश हुए थे वो, इतने होने के बावजूद डिड दे एवर थिंक दैट कभी ऐसा मौका आएगा कि हम दर दर की ठोकरें खाएंगे? बट ये वास्तविकता है, ये जीवन में हम जो सोचते हैं वो काल्पनिक क्या सोचते हैं, बस यू नो लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वाओ, बहुत बढ़िया चलने वाला है, मेरा जीवन तो एकदम मजे से चलने वाला है, बट इट्स नॉट द फैक्ट। जीवन में यू नो कठिनाइयां और यू नो चैलेंजेस ज्यादा आने वाली हैं, और ये हमको शास्त्रों से पता चलता है, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो। और यही अगर आप इसमें देख लो फैंटेसी मूवीज में, उसमें तो बाबा यू नो एवरीथिंग कैन हैपन, आदमी बिल्डिंग से कूदा और सीधा घोड़े पे गिरा और घोड़ा भागने लगा। आई टेल यू अ नाइस जोक, फैंटेसी मूवीज बोला था, आई टेल यू अ नाइस जोक। वंस आई हैड गॉन टू कानपुर फॉर माय बिजनेस वर्क, तो वहाँ पे हमारे साथ कुछ वहाँ के लोकल जो ना लोकल फिल्म्स बनाते हैं, भोजपुरी फिल्म्स वगैरह बनाने वाले, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो एक आदमी उसमें से बोल रहा था कि मैं मोहन चोटी का पिक्चर देख के आई गॉट बूस्टेड अप और आई गॉट एक्साइटेड टू मेक मूवीज, मेरा रोल मास्टर था वो। ठीक है, बोला क्या था? बोला साहब हमारे यहाँ तो पिक्चर इतने बढ़िया बनती है ना कि एंड का क्लाइमेक्स सीन था कि हीरो हीरोइन कहीं दूर चार किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर गांव के बाहर एक खंबे से बंधी हुई है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले हैं विलन, और 4 किलोमीटर दूर उसका स्विच है और हीरो यहाँ से विलन यहाँ से स्विच ऑन करता है और हीरो घोड़े से रेस लगा के उस हीरोइन को बचाने जा रहा है, और ऐसा यहाँ तक बताया कि करंट भाग रहा है लाल कलर में ऑन द वायर और एक घोड़ा साथ में भाग रहा है, कभी करंट आ गया तो कभी घोड़ा आ गया, एंड इन द एंड द हीरो कट्स इट विद अ नाइफ, अपने तलवार से उस वायर को काट देता है जस्ट बिफोर वो हीरोइन के पास पहुंचे, और फिर वो टप 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 करके कुछ पावर झटक रहा है नीचे, कुछ गिर रहा है, I mean, it's weird, it's real weird,
इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है. बट वो उस चीज को वो लोग फिल्मों में दिखाते हैं. और हम लोग इसी वजह से हम लोग का दिमाग या हम लोग यू नो वी गेट कैरिड अवे, हम लोग राह भटक जाते हैं. और उसका वजह क्या है कि हम इन काल्पनिक चीजों को देखते हैं. हम वी ऑलवेज फैंटेसाइज कि भाई अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो. इसके लिए एक आजकल नया वर्ड चल रहा है ना, पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग क्या, पॉजिटिव थिंकिंग हो रहा है? नहीं हो रहा. थिंक करने से क्या होगा? अब निखर, इफ यू डोंट राइट द एग्जाम प्रॉपरली एंड आई एम पॉजिटिव, आई एम थिंकिंग पॉजिटिव, अंडे ही मिलने वाले हैं वहां पे आपको, कुछ 100 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. पॉजिटिव सोचने मात्र से नहीं, कार्य करना ही पड़ेगा आपको, कर्म तो करने पड़ेंगे. और आपने जो कर्म किए बस उस हिसाब से आपको अपने फल मिलने वाले हैं, चाहे वो एग्जाम की पढ़ाई हो या यू नो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कुछ भी हो. सो फर्स्ट इज एसोसिएशन. इफ यू एसोसिएट विद द राइट पर्सन इट इज गुड. इफ यू रीड द राइट बुक्स इट्स गुड फॉर यू. सही किताब पढ़ना चाहिए. गलत किताब पढ़ोगे यानी फैंटेसी वाले किताब या जनरल नॉलेज, ज्ञान आपको बहुत मिल जाएगा. किसी का बायोग्राफी पढ़ सकते हो. आजकल कितने पिक्चर निकले हैं किसी 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 एक्टर के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर, बट उसके क्या फायदा आपको? थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो गया. एंटरटेनमेंट किया, उसकी जीवन गाथा सुन ली आपने. वो तो हम लोग भी अक्सर हम लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, अपनी व्यथाएं गाते हैं ना. उससे अच्छा भगवान की कथा गाओ. व्यथा गा के क्या मिलने वाली? एक औरत दूसरी औरत को बोलेगा अरे मेरी सास ऐसी है, वो बोलेगा ना अरे तेरी सास तो अच्छी है, मेरी सास तो उससे भी बुरी है. तो ये तो जीवन की व्यथा है. हम लोग सोचते हैं हम कथा कर रहे हैं, वो कथा नहीं वो व्यथा है. और कथा करना अच्छी है. जनरली पीपल टॉक प्रजल्प. ठीक है, कई केसेस में प्रॉब्लम जेन्युइन होता है, आई डोंट डिनाई, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिस्कसिंग अरे फलाने ने उसकी शादी में ये कपड़ा पहन के आया था, वो कपड़ा पहन के आया था. व्हाई? We got so many books to read, so many literature to read. Bhagavad Gita, ek, abhi tak, you know, it said like, my teacher tells that, maine khud abhi tak 1% samjha nahi hai Bhagavad Gita ka. Toh main kya bolu? 0.5%? Aur aap log kya bole? So it's so much of depth is there. So first and foremost, association. Sahi sang rakhna bahut zaruri hai. Nahi toh jaisa sang, waisa rang. संग आपका सही नहीं है तो आपका रंग भी वैसा ही रहेगा. यू विल ऑल्सो फील लाइक चलो, अगर संग आपका शराबियों का है तो 31st night आप भी शराब पियोगे. आजकल तो चलन अच्छा चल रहा है. फॉरेन में लगता कम क्रिसमस मना रहे हैं, इंडिया में ज्यादा मना रहे हैं. बट फिर भी एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है. फॉरेन में मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ज्यादा करके लोग उस दिन चर्च में रहते हैं. और इंडिया में ज्यादा करके लोग मेजॉरिटी इन ऑल द सेगमेंट्स बियर बार और पब में या नशा करने में बिजी हैं. तो अंतर यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि हम लोग त्योहार को सिर्फ इंद्रिय तृप्ति का एक मार्ग बना लिया है. चाहे वो दिवाली हो या क्रिसमस हो, बस बहाना चाहिए. वो कहावत है ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, बस वो वाला कहानी. और अच्छा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ क्रिसमस टू क्रिसमस शराब पीता है, साल भर पी रहा है. सिर्फ क्रिसमस थोड़ा महंगी वाली पीता, बस इतना ही अंतर. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? तो एसोसिएशन मैटर्स प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एसोसिएशन बुक्स आर वेरी प्राइम. इसके लिए ए बी सी डी हमेशा क्यों कहा? ए इज फर्स्ट एसोसिएशन. पहले आपका एसोसिएशन चेंज करो, ब्रिंग इट टू अ सात्विक एसोसिएशन. देन टू यू हैव टू कम टू इज बुक्स. सही किताबें मतलब अपने शास्त्र का अध्ययन, वो भी एक बोनाफाइड टीचर के अंदर, बिलो अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. थ्री सी, व्हाट इज सी स्टैंड्स फॉर? चैंटिंग. यस, वी हैव टू चैंट. भगवान का नाम जपना है, इससे ही हम आगे बढ़ेंगे. ये भी प्रवृत्ति का मार्ग है. जैसे डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है ना, आप बीमार हो गए तो
तो क्या करता है भाई, ये गोली सुबह खा लेना, ये दोपहर को खा लेना, ये शाम को खा लेना, ये खाना खाने के पहले खाना, ये खाना खाने के बाद खाना, और उसके बाद क्या करता है वो, तो आपको कुछ दिनों के लिए ठंडी चीज नहीं खानी है, आपको मीठा नहीं खाना है, या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, या आइसक्रीम नहीं खाना है, मतलब डूज एंड डोंट्स, यही है प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति में हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन चैंट, एसोसिएशन बुक्स फिर भगवान का नाम जपते हैं, और ये पॉसिबल है, अगर ये पहले दो नहीं है तो तीसरा हो नहीं पाएगा, याद रखना। अगर आपका संग सही नहीं है तो आपके दोस्त बोलेंगे क्या माला जपना है, अभी ये जवानी, अभी तो थोड़ी, ये बूढ़े लोगों का काम है, बुढ़ापे में करने की काम, जाके पता करना कितने बूढ़े जाके माला जपते हैं। कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, जीवन भर जो किया वही अंतकाल तक, तो बुढ़ापे में वही करेगा, इनफैक्ट बुढ़ापे में ज्यादा करेगा। अगर गांव का पंचायत करने वाला व्यक्ति है तो गांव का पंचायत ही करेगा। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, खासकर बुजुर्ग लोगों को देखता हूँ, जो आज भी अपना परपोता हो चुका है उनका, फिर भी अपने बेटे के साथ दुकान में जाके या बिजनेस में जाके बैठते हैं। क्यों, कब उसको निर्भर करोगे? पूछने पे कहते हैं नहीं, क्या है ना, थोड़ा प्रभु जी क्या है, बेटे का थोड़ा मदद करता हूँ, उसके लिए थोड़ा जमा लेता हूँ। मतलब आपका बेटा क्या आपका पोता के लिए भी जमा हो गया है, फिर परपोता अभी आने वाला है, और कितना जमा करोगे? और शास्त्र क्या कहता है, पूत सपूत तो का संचय थी, पूत कपूत तो का संचय थी। अगर पूत सपूत है तो फिर क्या क्यों जमा करके रखना है, अभी करो करो भक्ति, जवानी में तो नहीं की बाद में करेंगे, अधेड़ अवस्था में नहीं की बाद में करेंगे, बुढ़ापे में नहीं करेंगे बाद में करेंगे, और जब मर गए तब दुनिया आपके लिए भगवान का नाम जपती है, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है ना, देन इट्स टू लेट, यू कॉन्ट चैंट। और उस वक्त भगवान का नाम लेके फायदा नहीं है, आप तो सुनेंगे नहीं, यू आर नॉट, योर बॉडी कैन नॉट हियर, व्हाट इज द यूज। और लोग सिर्फ और सिर्फ जब अर्थी को कंधा देने का वक्त आता ना, तब भगवान का नाम जपते हैं, जब दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है, वो इसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये रीत है भाई, दुनिया की रीत है, राम नाम सत्य बोल के या जो भी, मतलब अपने अपने इष्ट भगवान का नाम लेके अपना अर्थी उठाते हैं, और जो अर्थी पे लेटा है वो तो सुन नहीं पाता है, जब सुनना करना था उसको उसने किया नहीं, अब लोग कर रहे हैं, वो लोग भी केस के लिए कर रहे हैं, बस भाई स्मशान में पहुंचा नहीं, अग्नि दी नहीं, छोड़ो यार बाद में कब। जितने लोग आज तक स्मशान भूमि लेके गए किसी व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को छोड़ने, उसमें से कितने लोग आके भगवान का नाम जपे हैं बाद में? कोई नहीं जपता। और शास्त्र क्या कहता है, ए बी सी, सी इज चैंटिंग, सो एसोसिएशन बुक्स चैंटिंग, एंड डी द मोस्ट डेंजरस थिंग, क्या है वो, Only diet. डाइट, इट इज डाइट, नो इट्स डाइट, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, रिमेम्बर ये चार चीज जो व्यक्ति ने कंट्रोल कर लिया वो भक्ति मार्ग में टिक सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ भक्ति मार्ग में आगे निकलेगा, वो टिक सकता है। सो फर्स्ट इज एसोसिएशन, सेकेंड इज बुक्स, सी इज चैंटिंग, एंड डी इज डाइट। डाइट का मतलब क्या, एकदम कोई चार्ट वाट रहेगा क्या, कोई डाइट चार्ट, सुबह उठ के थोड़ी सलाड खाओ या उबली हुई चीज खाओ, स्प्राउटेड मूंग खाओ, नहीं, दैट्स नॉट डाइट। डाइट मींस एक तो कंट्रोल से खाना खाना है, जितनी जरूरत है उतना ही खाओ, ऐसे नहीं कि अरे आज बढ़िया लग रहा है और दो पूरी और घटक लेते हैं, दो रसगुल्ले और खा लेते हैं, ठीक है। पहला चीज डाइट का मतलब क्या है, वो भगवान को लगाया हुआ भोग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज रास्ते चले कोई भी चीज उठा के खा लिया। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ चीजों का निषेध है, जैसे कि इट शुड नॉट बी मीट, इट शुड नॉट बी ऑनियन एंड गार्लिक, ये सब चीज नहीं होना चाहिए, कि वही चीज आप भगवान को भोग कर सकते हो, भोग लगा सकते हो,
और भोग लगाई हुई चीज जो व्यक्ति खाता है उससे जो अन्न की शुद्धिकरण होती है और जिससे उसका मति का शुद्धिकरण होता है. सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट क्लीन रिएक्शन. अगर आपका अन्न सही है तो उससे आपका जो रक्त बनता है वो सही बनता है. जो रक्त सही बनता है तो दिमाग का शुद्धिकरण सही करता है. सो इट्स अ क्लीन स्ट्रेट रिएक्शन. तो याद रखना ए बी सी डी ये हुआ प्रवृत्तिम च और भी निवृत्तिम च के भी चार है और बहुत सिंपल है. कोई भी बता देगा बताइए. हाँ हाँ बोलो बोलो. नहीं नो इंटॉक्सिकेशन नो इलिसिट सेक्स नो गैम्बलिंग और नो मीट ईटिंग. यस परफेक्ट. तो निवृत्ति मार्ग तो सब लोग ने सीख लिया. प्रवृत्ति मार्ग अभी कब चाल काट करते हैं देखते हैं अभी. निवृत्ति तो ठीक है एक बार हो भी जाता है बट उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है. फर्स्ट थिंग इज नो मीट ईटिंग. कभी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति मीट ईटिंग इज अ वेरी नाइस वर्ड एक्चुअली. उसको नो डेड बॉडी ईटिंग होना चाहिए. कोई लाश नहीं खाए सीधी बात है ना. मीट मतलब क्या है लाशी तो है और क्या फर्क. व्हाट इज द मेन अंडरस्टैंडिंग. घर में हम लोग खुद कभी तो कोई मर जाता है तो घर में हम भोजन नहीं करते या गैस चूल्हा तक नहीं जलाते. और लोग तो इतने ज्ञानी हो गए हैं कि पैसा दे के एक लाश को खरीद के लेके आते हैं उसको धुला के काट के पका के खाते भी. बोलो. और अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो घर पे हम लोग चूल्हा भी नहीं जलाते. सो इन दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन शुड नॉट ईट मीट. हाँ हाँ बोला. अब तो सब्जी में भी तो जान है पेड़ पौधों में भी तो जान है. कुछ लोग तर्क लगाने वाले कुछ कमी नहीं है ना. तर्क लगाने वाले लोग तो बस अपने अंदर गलती हमारे अंदर गलतियां ढूंढते रहते हैं. आप तो बोलते हो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए उसमें जान है. तो भाई सब्जियों में भी तो जान है पेड़ पौधों में जान है तो आप क्यों नहीं खाना चाहिए. तो उसको उसका खाना जस्टिफाइड कैसे हुआ. खाना कैसे जस्टिफाइड हो गया. बोलिए निखर माता जी आप बोल रहे थे ना. आगे का एक्सप्लेनेशन पूरा दीजिए फिर अभी. कहाँ से ढूंढ के लाते हो क्वेश्चंस. ढूंढ के लेके आता हूँ क्वेश्चंस. आई एम आस्किंग क्वेश्चन विच विल जस्टिफाई योर रीजनल रैशनल थिंकिंग. सी लोग अक्सर बोल के चले जाते हैं हाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ठीक. और जब रैशनल थिंकिंग होती है व्यक्ति के अंदर उसके अंदर उसको झिंझोड़ के अगर आप पूछोगे ना तो व्यक्ति समझ में आता. ठीक है कोई और बता सकते हैं. सीमा माता जी कहाँ पे हैं. आशना विल एक्सप्लेन. यस आशना इज स्मार्ट शी विल एक्सप्लेन. प्रभु जी आई डोंट नो दिस आंसर प्रॉपर्ली. अच्छा व्हाट एवर यू नो टेल ना प्रॉपर्ली बाद में देखते हैं. प्रभु जी व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट प्लांट्स में भी जान होती है लेकिन वो कम होती है कॉन्शियसनेस लेवल. और फिर उसमें भी जो हमें पाप लगता है वो अगर हम लोग भोग लगाते हैं तो भगवान उसको नाश कर देते. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस माता जी. देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. कैन एनीवन टेल मी व्हिच आर द थ्री लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. कौन पूजा माता जी श्रद्धा माता जी कोई तो बोलो जी. अवेक एंड मतलब थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चेतनाओं के तीन तीन तरह की चेतनाएं है ना. प्रभु जी आई विल से बोलिए. आवृत मुकुलित और विकसित संकुलित. थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस है. वन इज आवृत मुकुलित और संकुलित. आवरण चेतना. व्हाट इज आवरण चेतना. प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में देता हूँ, आई होप अदर्स, अपना वीडियो तो स्विच ऑफ है उनका, बट आई होप दे आर लिसनिंग, पता नहीं चलता है यहाँ इसमें से. सो ओके, फर्स्ट इज आवरणित चेतना. आवरणित चेतना मतलब जिसमें से आपका चेतना का पूरा आवरण हो गया. आवरण मीन्स टू कवर, वेरी स्लो लेवल ऑफ चेतना, जिससे आपका चेतना का आवरण हो गया है. उसका एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं. अगर आप पेड़ तोड़ोगे, पेड़ की एक डाली तोड़ोगे, तो उस डाली में से दूसरा एक डाली निकलेगा ना, न्यू ब्रांच विल ग्रो, राइट? यू ब्रेक अ स्मॉल ब्रांच ऑफ अ ट्री और अ ट्विग ऑफ अ ट्री, नया ट्विग उगेगा ना. अगर किसी मुर्गी की टांग तोड़ोगे, किसी बकरी की टांग तोड़ के निकाल दोगे, तो उसकी नई टांग निकलेगी क्या बाहर? तो फर्स्ट इज आवरण चेतना. यहाँ पे चेतना है, बट इट इज हाईली कवर्ड. सेकेंड इज मुकुलित चेतना, दैट कम्स इन एनिमल्स. हल्का सा चेतना, थोड़ा सा खुला हुआ है. एंड व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? जैसे आप एक मादा है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, चाहे वो भेड़ बकरी हो, गाय हो, शेरनी हो, कोई भी एनिमल हो. मदर एंड फादर, दे टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, दे फीड द चाइल्ड. उसके अंदर चेतना ज्यादा है, पेड़ के मुकाबले, पौधे के मुकाबले में उससे ज्यादा है. बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम टू दैट. क्या मुकुलित है? जैसे आप कसाई खाने में देखना, दो बकरियों को ना बुचर शॉप में देखना, दो बकरियों को बांध के रखा है, दोनों साथ में बैठ के घास खा रहे हैं, और उनके आंख के सामने किसी बकरे का लाश लटका हुआ है, उसको काट काट के दुकान वाला बेच रहा है. और थोड़े देर बाद जिसके साथ जो दो बकरी थी, उसमें से एक बकरी को अंदर लेके गया, काट दिया उसने और लटका दिया, मगर दूसरा बकरी अभी भी खा रहा है, घास या जो भी डाल दिया उसके सामने खा रहा है. कैन ए ह्यूमन डू दैट? सपोज हम चार पांच लोगों को एक रूम में डाल दिया और बढ़िया सा छप्पन भोग लगा दिया खाने के, छप्पन भोग एकदम बढ़िया बढ़िया, एक से बढ़िया खाना, मगर थोड़े देर देर में एक व्यक्ति को लेके जा रहा है मार रहा है, थोड़े देर में एक व्यक्ति को लेके जा रहा है मार रहा है, बंदूक की आवाज सुनाई दे रही है और व्यक्ति वापस नहीं आ रहा है. तो अपना नंबर कब होगा पता नहीं है. अभी अब छप्पन भोग खा पाओगे क्या? मगर एक जानवर खा सकता है. Why? The intelligence is not fully developed. It is just budded. That is why it is called as mukulit. Whereas humans are sankulit chetana. Secondly, please understand this. There are three digestive systems. Sorry, there are two digestive systems. I'm sorry. There are three digestive systems. First digestive system, plants. They take from the roots and supply it upwards. पेड़ पौधे जो हैं, वो अपने जड़ से पानी और ऊर्जा की सारी वस्तुएं लेते हैं और ऊपर भेजते हैं. Second is, that is why it is called as against gravity. अगर आप scientific terms में पढ़ोगे ना, this is against gravity. Second, parallel to gravity. जानवर, चार पैर वाले जो जानवर हैं, when they eat food, it goes parallel to the gravitational force. And third, humans go as per gravity. They eat from the top and goes down. Are you able to get? क्या मैं समझा पा रहा हूं या सब हाईटेक जा रहा है, बंपर जा रहा है? Ashna, are you getting this, what I'm trying to say? It's very technical, but please understand that. First Prabhu ji, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. हाँ. एकदम logical बात कह रहे हैं. हाँ. बहुत अच्छा. तो ये तीन चीज है, आप समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि भाई भगवान ने डाइजेस्ट सिस्टम भी अलग अलग टाइप के बनाए हैं. एक अगेंस्ट ग्रेविटी बनाया है, एक ग्रेविटी के पैरेलल बनाया है, और एक टुवर्ड्स ग्रेविटी बनाया है. क्यों? मनुष्य को ज्यादा तकलीफ नहीं है.
आता है अपने आप ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ जाता है, ताकि ध्यान पढ़ाई पे दे, भक्ति पे ध्यान दे। एनिमल्स को क्या होता है, रूमिनेटिंग स्टमक रहता है, जैसे गाय रूमिनेटिंग सिस्टम होता है, पहले घास खाती है फिर रात को बैठ के उसको चबाती है, तो इट्स अ डबल डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के वजह से ह्यूमंस को मीट खाना नहीं चाहिए। एंड एज आशना सेड अर्लियर ऑल्सो, यस लॉर्ड सेस इन द भगवद गीता थर्ड चैप्टर 3.13 भुंजते तु अगम पापम ये पाचन तो आत्म कारण यज्ञशिष्ट असन संतो मुच्छते सर्वखिल विषय भुंजते तु अगम पापम ये पाचन तो आत्म कारण। He says, Lord clearly says in this, कि भाई अगर आपकी आत्मा की तुष्टि के लिए आप खा रहे हो तो चाहे वो प्योर वेजिटेरियन या सात्विक भोजन ही क्यों ना हो, फिर भी वो एक तरह से आपका इंद्रिय तृप्ति ही है। तो इट बिकम्स अघम पाप, द वर्ड यूज्ड इन द श्लोका इज अघम पाप, नॉट इवन पाप, अघम पाप। और अगर वही भोजन भगवान को ऑफर करके हम खाते हैं, यज्ञशिष्ट असन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषया, मुच्यन्ते मीन्स इट क्लीन्स ऑफ, किल्बिषया मीन्स सिंस, सर्व मतलब सारे सिंस, उसमें जितने भी पाप लगे हैं उस भोजन को बनाने में, चाहे उस पौधे के थोड़े से जान आपने ले लिया हो तो भी आपके जितने भी पाप थे वो सारे क्लीन हो गए हैं। सो टेक्निकली लेट अस अंडरस्टैंड, नो मीट ईटिंग, आवर डाइजेस्ट सिस्टम इज नॉट मेड टू ईट मीट, वी आर डिफरेंट देन द अदर डाइजेस्ट सिस्टम्स। थर्ड, आवर शास्त्र, वी हैव ऑलवेज बीन फॉलोइंग द सिस्टम, लाइक घर पे अगर कोई लाश हो तो हम चूल्हा नहीं जलाते हैं और लाश को लाके पैसे पका के खाएंगे। सो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो इसमें कुछ बड़े लोगों की कोई टिप्पणी है इसमें? नो इंटॉक्सिकेशन, आज के जमाने में इंटॉक्सिकेशन तो एक आप तो सोशल टाबू हो जाता है अगर आप शराब नहीं पियो तो, है ना? पीपल विल आस्क यू, आप शराब नहीं पीते हो, यू नॉट अ मैन। एंड आजकल तो लेडीज का शॉर्ट्स का जमाना है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट शराब पीना नहीं चाहिए। चलो कम से कम मेरी ना सही, अमिताभ बच्चन की तो सुन लो, शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है। अमिताभ का फेमस डायलॉग हुआ करता था एक जमाने में, यस निगर। मैं ये आपको मतलब बीच में ऐड करना था कि सिर्फ इंटॉक्सिकेशन में वही नहीं आता, अल्कोहल एंड ऑल, इसमें मेरे ख्याल से कैफीन भी आता है ना, कि वी डोंट बाद में ना, पहले 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 कहते हैं ना वो बॉडी से जानवर से इंसान तो बन जाओ फिर इंसान से भक्त बनेंगे। ओके, जानवर से इंसान तो बनते हैं, वही बड़ा चैलेंज है आज के जमाने में, हाउ टू बिकम अ ह्यूमन। शराब ना पीना इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड इंटॉक्सिकेशन में नॉट ओनली शराब, अफीम, गांजा, वीड, ड्रग्स, आपके पंजाब में तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, पिक्चर भी निकली है भाई। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यस या से से आई वांट टू से समथिंग से। सो टुडे, पहले तो एक जमाने में शराब लोग छुप छुप के पीते थे, शराब पीने के लिए छुप के जाते थे, अब तो लोग शराब स्टाइल में पीते हैं, लोगों को दिखाने के लिए पीते हैं। और अगर आप शराब पीते हो तो आजकल आपको एक स्टेटस वाला व्यक्ति समझा जाता है, यू आर सपोज टू बी ए ग्रेट पर्सनैलिटी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये शराब वर्ड कहां से आया पता है आप लोगों को? दिस कम्स फ्रॉम एन अरबिक वर्ड शर एंड अब, अब मीन्स वॉटर, इन अरबिक लैंग्वेज अब मीन्स वॉटर, एंड शर का मतलब क्या है? डर्टी। सो अगर कोई
शौक से कहता ना मैं शराब पीने जा रहा हूँ, शराब पीने जा रहा हूँ, एक्चुअल लिटरल डायरेक्ट ट्रांसलेशन उस शब्द का क्या होता है, डर्टी वाटर, गंदा पानी। तो जब भी कोई बोलता है मैं शराब पीने जा रहा हूँ या शराब पी रहा हूँ, तो समझ लेना वो गंदा पानी पी रहा है। ऐसे भी स्मेल तो कौन सा, कोई रोज वाटर तो स्मेल तो आता नहीं है उसमें से। सो प्लीज अंडरस्टैंड, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, एंड प्लीज आजकल पूरे सोसाइटी को खोखला कर चुका है ये ड्रग्स, स्पेशली द यंगस्टर्स, यूथ, आई एम सीइंग इट्स बिकम आल्सो अ फैड नाउडेज टू हैव ड्रग्स। याद रखना वर्चुअल जीवन, जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्ले गेम्स ऑन मोबाइल और लैपटॉप, स्पेशली शूटिंग गेम्स, कोई है खेलने वाला? ओनली अभिषेक, ओके वेरी गुड। बस एक ही बंदा है, उसको तो प्राइवेट में सुना, ट्यूशन लेना पड़ेगा, और एक दो जन होते तो मजा आता था बोलने में, असलियत पता नहीं। योर फ्रेंड्स प्ले, ओके अर्चना योर फ्रेंड्स प्ले? Prabhu ji, I used to play PUBG at one point of time. Achha, well, after you got banned, you tried to commit suicide also. Many people committed, you know that? PUBG banned होने के बाद बहुत सारे लोग ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी. But you used to enjoy that game, right? चलो अच्छा है, आपके फ्रेंड्स आज भी खेलते होंगे। अगर खेलना ही है ना, एक बार असली मिलिट्री में जाना, असली बंदूक लेके, असली दुश्मन जो असली गोली चलाते हो ना, उनके सामने जाके खड़ा रहना। सी हम लोग इतने वर्चुअल जीवन के सामने, जीवन जीते हुए जीते हम लोग इतने वर्चुअल हो चुके हैं कि असलियत से हम कोसों दूर हो गए हैं। वी आर गॉन फार अवे फ्रॉम रियलिटी, वी हैव बिकम ओनली क्लोज टू वर्चुअल लाइफ। कोई मुझे कहता है कि हाँ प्रभु जी मैं गेम्स के बहुत में आई एम विनर, आई गो टू लेवल 5 लेवल 6, अभिषेक दिस ऑल फॉर यू आल्सो, शूटिंग गेम्स खेलना है तो आ जाओ रियल मिलिट्री या पुलिस ज्वाइन कर लो, थोड़ा असली आतंकवादी सामने रहेंगे तब सिट्टी बिट्टी कितनी बुरी होती है देखते हैं, तभी ठ्यू करने का मजा चला जाएगा। आप बाहर आते ही आप बोलोगे नहीं नहीं प्रभु जी बस हो गया, क्यों यहाँ पे क्या कंप्यूटर में बैठ के डिंगे हाँकना, ये अपनी नो वीरता दिखाना, ये सब ठीक है, that's the problem. Modern life is only taking you, चाहे वो मूवीज हो चाहे वो गेम्स हो, असली जीवन से आपको निकाल के एक नकली जीवन पे लेके जाते हैं। You're living a virtual life, but what do you understand in that? How will you understand that virtual life? किस तरह से आप उस वर्चुअल लाइफ में असली जीवन का मजा ले पाओगे? यहाँ पे आप जमीन पे गिर जाते हो, पैर में थोड़ी चोट आ जाती है, तो एक हफ्ता आप बिस्तर पकड़ लेते हो। जस्ट इमेजिन यू आर प्लेइंग ए वर्चुअल गेम एंड थिंकिंग दैट यू आर विनिंग, और उसमें से एक असली गोली आपके जीवन में अगर हाथ में भी लग जाए, शरीर पे छोड़ो हाथ या पैर पे लग जाए, कई बार जीवन भर वो व्यक्ति may becomes a handicappers. So let's, even this is an addiction, even games are addictions, so don't think only intoxication is the only addiction. One or in some koi sattvik vyakti keh sakta hai I'm not addicted to sharab, I'm not addicted to cigarette, I'm not addicted to drugs. Are you may be addicted to games. Games addiction is bad because of only one thing, it keeps you in the virtual world, not in the real world. Just like koi cricket match khelta ho aur yahan pe ek baitha awaaz nahi, are main bola tha usko cover drive marne ke liye, wo straight drive maar diya, gadha hai, samajh mein nahi aata hai, usko hook karna chahiye tha, usko full toss marna chahiye tha, bade bade dialogue dinge haakega, are रियल में फील्ड में जाओ, हाथ में बैट लेके खड़े रहो, जहां 140 करोड़ की जनता देख रही हो आपको, तब पता चलेगा बॉल को कैसे मारना है।
बोलना आसान है. सो माय ओनली पर्पस ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस इज प्लीज कम टू द रियल वर्ल्ड, डोंट बी इन द वर्चुअल वर्ल्ड. एंड ऑल बी ड्रग्स, बी इंटॉक्सिकेशन, बी यू नो गेम्स, ऑल दिस कीप्स यू इन द वर्चुअल वर्ल्ड. कोई व्यक्ति बहुत दुखी है जाके शराब पीता है, वो क्या कहता है, मैं गम बुला दिया मैंने, बट हैज ही सॉल्व द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो वही की वही है ना. द प्रॉब्लम इज नॉट इट बीन सॉल्व. व्हाट ही हैज सॉल्व इज अ टेम्पररी पेन किलर. और फिर वो पेन किलर बाद में उसका किलर बन जाता है. जैसे वाकई में एनी पेन किलर्स हैव देयर इफेक्ट्स ऑन किडनी, यू नो दैट ना. इफ यू हैव टू मच ऑफ कॉम्बिफ्लम योर किडनी गोज ऑफ. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? एनी टाइम एनी अमाउंट ऑफ इंटॉक्सिकेशन और पेन किलर्स इन द नेम ऑफ पेन किलर्स जो व्यक्ति लेता है, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं जाके इन द एंड इट बिकम्स हिज रूट कॉज ऑफ हिज डेथ ऑल्सो. सो नो मेडिटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन. Third, the most dangerous thing, which is today it's on the rise. सबसे ज्यादा है, चल रही है, और वो है illicit sex, extramarital affair, premarital affair. And आजकल तो celebration करने के लिए मौका ढूंढते हैं लोग तो, और end में आजकल I dumped him करके भी celebrate करते हैं. आई थिंक थोड़ा दिन के बाद एक डंपिंग डे भी आ जाएगा, जैसे आजकल फादर्स डे, मदर्स डे, तो एक दिन डंपिंग डे, मतलब उस दिन आप डंप ही कर सकते हो. वैलेंटाइन डे में आप वैलेंटाइन कर सकते हो, डंपिंग डे में डंप की कर सकते हो. द वे सोसाइटी इज गोइंग वेरी फास्ट अहेड. सो रिमेंबर वन थिंग, इलिसिट सेक्स जो है, व्यभिचार, हिंदी में व्हाट इज से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्हाट इज से, अवैध संबंध जो है, अवैध संबंध सिर्फ शादी के बाद नहीं, शादी के पहले भी अवैध संबंध गलत है. क्यों? व्यक्ति को असली जीवन के राह से भटकाता है. प्लीज अंडरस्टैंड, असली जीवन का राह, असली जीवन का एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य अगर पाना है तो इन चार चीजों से आपको दूर रहना है. And you know what is the punishment in नरक लोका? नरक में क्या punishment दिया जाता है आपको for doing illicit sex? It is clearly mentioned in the Garuda Puran that जो व्यक्ति शराब पीता है, जितने पेक शराब पीता है, उतना बार, उतना quantity का जलता हुआ, गला हुआ लोहा, molten iron, what is it called in Hindi? I don't know. जो लोहे को गर्म करने के बाद एकदम पानी जैसा जब हो जाता है, उतना बार आपके मुंह में डाला जाएगा. और उसके लिए आपको ये शरीर नहीं, एक यातना शरीर दिया जाएगा नरक में. और लोग क्या कहते हैं, अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, नरक वरक नहीं होता, सब लोगों ने एक हवा बना दिया और कुछ नहीं, असली में तो कोई है ही नहीं नरक. आप लोगों में से कितने लोग जेल गए हैं? अभी तो गए जेल, है कि नहीं जेल, है ना? भले आपने देखा नहीं है, भले आपके ऊपर जेल का तजुर्बा नहीं है, that doesn't mean जेल नहीं है. उसी तरह है, नरक आपने देखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि नरक नहीं है. नरक है, जैसा स्वर्ग है वैसा नरक है, जैसा दिन है वैसा रात है, जैसी अच्छाइयां हैं वैसी बुराइयां भी है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, लोग अक्सर इन चीजों को बोलते हैं, यार व्यभिचार करने से क्या होता है, कुछ नहीं है. अगर एक स्त्री ने व्यभिचार किया या एक पुरुष ने व्यभिचार किया, उस हिसाब से एक यातना शरीर दिया जाएगा. यातना शरीर क्यों देते हैं? क्या है ना, इस शरीर में थोड़ा सा यातना हो जाए ना, बेहोश होके मर जाते हैं. 100 कोड़े मारो तो आदमी बेहोश हो जाता, मगर इसके लिए आपको यातना शरीर देते. वहां पे तो बड़े बड़े कोड़े खाने हैं, वहां तो जितने नॉनवेज खाए उतने बार आपको तो तलेंगे, आपको आपने जितनी तंगड़ियां खाई हैं आपके भी पकेंगी, वहां पे शरीर का आपका भी बनेगा, बढ़िया भोजन बनेगा, और वो यातना जल सहनी पड़ेगी आपको.
और उतनी यातना यहाँ इस शरीर के साथ रहोगे तो मजा नहीं आएगा। तो इसके लिए स्पेशल शरीर दिया जाता है जिससे आप उस यातना को सहो, सहना पड़ेगा आपको। सो एंड व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को, सपोज वो स्त्री है तो एक लोखंड का जलता हुआ एक शरीर दिया जाता है उसके ऑपोजिट सेक्स का, और उसके साथ जबरदस्ती उसकी आलिंगन खींच, मतलब यमदूत जो है उसको हाथ पैर पकड़ के जबरदस्ती उसका आलिंगन करवाते हैं। ही इज फोर्स्ड टू एम्ब्रेस द मोल्टन आयन मेल और फीमेल एज द केस मे बी, और कहते हैं जितना मजा तू वहां ले रहा था अब यही मजा यहाँ पे ले। वेरी डेंजरस आई एम टेलिंग यू। लोग सोच रहे हैं इस, हमें कौन देखता है आजकल, तो पता चलता है सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं सब जगह, हर कोई एक्सीडेंट का और कोई घटने का कहीं ना कहीं अपने को सीसीटीवी फुटेज देखते रहते हैं ना हम लोग, व्हाट्सएप में आता रहता है। तो डोंट वरी, सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा तो भगवान स्वयं है। आपके हर पाप के 12 विटनेसेस होते हैं, 12 साक्षी हैं। जानना चाहेंगे कौन सा 12 साक्षी है? नहीं प्रभु, पापी नहीं करते हैं, ऐसे वाले कुछ लोग बैठे रहेंगे, और कुछ लोग दे हुए तो क्या हुआ, हम थोड़ी डरते हैं उनसे। अरे भाई, दिन रात सूर्य चंद्र आपके सभी डायरेक्शंस, संध्या, ये सब साक्षियां होती हैं। कभी ना कभी घर के अंदर या बाहर, दिन में या रात में, किसी न किसी एक दिशा में रहते हुए आपने कोई ना कोई आप पाप कर्म करते होंगे, उसकी उस ये सब देवता जो होते हैं ये आपको साक्षी देते हैं, और यमराज स्वयं बैठे रहते हैं। इसके लिए अगर आप सोचोगे यहाँ किसको पता चलने वाला है, डोंट वरी, जब ऊपर जाओगे तो यमराज बोलेगा अरे भाई इसका सीसीटीवी फुटेज निकालो, भाई फलाने फलाने की सीसीटीवी फुटेज निकालो, दिखाओ इसको। तो वहां पे आप कुछ बोल नहीं सकोगे कि वहां पे क्या है ना, सभी एंगल से आपका सीसीटीवी निकला रहता है। यहाँ पे तो सिर्फ क्या कैमरा ऊपर ऊपर किसी कोने पे लगा रहता है, वहां पे तो हर एंगल से आप अपना वजूद छुपा नहीं पाओगे वहां पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैम्बलिंग, जुआ। जुआ बुरा कैसे हुआ? व्हाई इज गैम्बलिंग बैड? इज गैम्बलिंग बैड? आजकल लोग तो मानते नहीं है, दिवाली के दिन रात को ही लोग गैम्बल करते हैं, कई त्योहारों पे गैम्बल करते हैं। I don't know, नॉर्थ में कब गैम्बल करते हैं, मतलब किस त्योहार पे गैम्बल करते हैं नॉर्थ में? वो तो हर समय करते रहते हैं, वैसे दिवाली में होता है। हाँ, दिवाली में होता है ना, राइट। सिर्फ हर समय होता है तो ठीक है, ये तो आजकल तो लोगों ने हद कर दी। यहाँ पे सातम आठम बोल के गुजराती लोगों का होता है, क्या छे हर्षा माता जी, क्या छो तुम हर्षा माता जी? हाँ, कभी होता है मतलब सातम आठम? हाँ, सातम आठम रहते हैं ना, जन्माष्टमी। लोग कोई भी, कोई भगवान को नहीं छोड़े, रामचंद्र जी वहां से जीत के आते हैं तो लोग पता खेलते हैं। दिवाली होती क्या है? रामचंद्र जी का तो विजय दिवस है, उसमें पता खेलते हैं। तो गुजराती लोग बोलते कृष्ण जन्माष्टमी, कुछ नहीं खाते हैं, सातम आटम ठंडा खाते हैं, क्यों पूरा दिन पता खेलने में, बराबर ना माता जी, हर्षा माता जी? जी प्रभु जी। उसे खाना भी नहीं बनाएंगे ना? हाँ, सातम को तो मतलब छुट्टी रहती है, ठंडा ठंडा खाने का, ठंडा खाने का मतलब क्या, पूरा टाइम। हाँ संगीता माता जी, बराबर की नहीं? बराबर ना, भगवान के नाम पे जन्माष्टमी के दिन भी लोग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग और आई एम डूइंग, बट आई एम जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि भाई ये दुनिया का आजकल का सोच, और जुआ खेल के किसका भला हुआ? ये एक चीज दिखाने के लिए तो भगवान ने द्वित क्रीड़ा रचाई महाभारत में, पूरा महाभारत में द्वित क्रीड़ा का लीला क्यों करवाया, उसके पीछे भगवान का क्या मकसद था? उन्होंने बताया यहां तक युधिष्ठिर जैसा धर्मराज भी अगर युद्ध के अपना द्वित खेले तो वो भी रस्ते पे आ जाएगा।
सो व्हाट टू टॉक अबाउट यू एंड मी, चक्रवर्ती राजा और धर्मराज, एंड उसने जब पता खेला, जब मतलब जुआ खेला, मतलब नॉट इट वाज डाइस, पासे पासे फेंक के खेल रहे थे, क्या क्या नहीं हारा, यहां तक अपनी अपनी पत्नी को भी हार चुका था. व्हाट डज दिस मीन, कि भाई कोई भी व्यक्ति, बाकी सारे गुण हो जाए उसके अंदर, बट एक अवगुण है काफी है बर्बाद होने के लिए. कोई कहेगा प्रभु जी मैं तो शराब नहीं पीता हूं, मैं ड्रग्स नहीं लेता हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, सिर्फ त्योहार का दिन भगवान के नाम पे एक रुपया पॉइंट, पांच रुपया, पांच रुपया पॉइंट, वैसे हम लोग जुआ खेलते हैं. अरे जुआ खेलना है भाई, पाप तो पाप है, थोड़ा पाप हो या बड़ा पाप हो, आप स्कूटर लेके न्यू एंट्री में जाओ या गाड़ी लेके न्यू एंट्री में जाओ, दोनों पाप है ना, दोनों गलत है ना कायदे से. चाहे वो नहीं प्रभु जी हम नहीं, ऑफिसर साहब मेरा तो स्कूटर है, वो बड़ा गाड़ी है, चार पहिया वाला गाड़ी है, उसको पकड़ो, मेरे को छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा. प्लीज रिमेम्बर दैट. यहाँ पे तो बॉम्बे में तो गणपति का दिन गणपति को बिठाते, पहले गणपति लाते कैसे, आइटम सॉन्ग सुना के, क्योंकि सुनना हमको है, भगवान को थोड़ी सुनना है, भगवान को पड़ी नहीं है, सुनाना क्या चाहिए भगवान को, उनके कीर्तन या भजन सुनाना चाहिए, मगर हम गणपति को क्या सुनाते हैं, आइटम सॉन्ग सुनाते हैं, क्योंकि हमको नाचना है उस आइटम सॉन्ग पे भगवान के नाम पे, और लेके आके क्या करते हैं, पत्ता खेलते हैं, पत्ता खेल के क्या मिलने वाला है, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट. भगवान ने बोला, गणेश जी ने बोला तो पत्ता खेलो, नहीं जागरण कर रहे हैं ना, जागरण के नाम पे पत्ता खेल रहे हैं. अरे जागरण करना है तो कीर्तन करो, भगवान का कथा करो, सत्संग करो, पहले तो भूखा रहो, भरपेट तो जागरण होगा ही नहीं, कभी भी रात भर अगर जागना है तो भरपेट होगा नहीं, और नॉर्थ में तो पूछने की जरूरत नहीं है, जागरण के नाम पे जगराता के नाम पे क्या होता है, मतलब फिल्मी दिनों में गाने गाए जाते हैं, और उसमें भी कंपटीशन क्या है, हमारे गली में ये नव जगराता है तो वहाँ हमारा जगराता उनके जगराता से अच्छा होगा. बस, और कहाँ है माता, कहाँ है माता, किसी कोने पे बैठी, कोई माता को कोई भक्ति करना नहीं चाहता. बस लोग कैसे भगवान के नाम आड़े, है ना, भगवान के नाम के आड़े कैसे ऐसे गलत चीज कर सकते हैं, मतलब इतनी इंद्रियों के कमजोर लोग ही इन चीजों के पीछे भाग सकते हैं. ठीक है, तो एनी ओम याद रखना, चार प्रवृत्ति मार्ग, चार निवृत्ति मार्ग. तो ये कहते हैं भगवान पहले श्लोक में, क्या कहते हैं उनको, कि ये कहते हैं कि भाई याद रखना, न प्रवृत्तिम च न निवृत्तिम च ज्ञानम न विदु असुरहा, ना उनके अंदर असली ज्ञान है. असली ज्ञान क्या है, असुर के अंदर असली ज्ञान नहीं होता है, क्या होता है असली ज्ञान फिर, व्हाट इज रियल नॉलेज, नॉलेज ऑफ द सुप्रीम, नॉलेज ऑफ द सुप्रीम, यू नो वी ऑल नो गॉड इज ग्रेट, but we, everybody doesn't believe that. Okay, something more than that. उससे ज्यादा कुछ कोई बता चाहेगा, असली ज्ञान क्या होता है, ज्ञान ये है कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है. Have you ever tried to find out our relation between us and God? That's real knowledge. हम भगवान के अंश हैं, यहाँ फलाने फलाने के बाप हैं, फलाने फलाने के बेटे हैं, और फलाने फलाने के पति हैं या पत्नी हैं, पर हमारा असली पहचान क्या है, हमको कोई पता करना है, किससे कैसे पता करें, ये भक्ति से मिलेगा आपको, शास्त्र से मिलेगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ज्ञान उनके पास नहीं है, और असली ज्ञान क्या है, असली ज्ञान ये है कि भगवान के बारे में जानना और हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ. और जब संबंध जानोगे तभी तो संबंध बनेगा. अगर आपका कुछ एक अमीर बाप का औलाद, कुंभ
के मेले में गुम हो जाता है और किसी भिखारी के पास चला जाता है, भीख मांगता है या मजदूरी करके अपना घर चला रहा है, और इधर करोड़पति बाप अपने बेटे को ढूंढता है फिर क्या मायूस होके बैठा है। हिंदी पिक्चर में होती है ना ये सब। और एंड में वही बच्चा जब उसको पता चलता है कि ये करोड़पति मेरा बाप है, तब क्या करता है, अपने पिता के पास जाता है, और जब अपना कुछ तावीज या कोई टाटू देख के पिता पहचान लेते हैं, हाँ ये यही तो मेरा खोया हुआ बेटा है, तो क्या मिलता है उसको, उसको पूरी संपत्ति मिल जाती है, उसकी गरीबी दूर हो जाती है। अरे उसी तरह है हमारा भी हालत, हम सब गरीब हैं, और सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, भगवान। सो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। बस संबंध बिठा लो, अपने हिस्से का पैसा अपने आप आ जाएगा। You have to just establish your relation with God, because Lord is the supreme personality of, no, Lord who's the supreme personality of Godhead. He's the richest man. He's dhanwan. वो अमीर आदमी है, अमीरों का अमीर है वो। आप अंबानी के बेटे बन गए, मस्क एलन के बेटे बन गए, एलन मस्क के बेटे बन गए, या यू नो फोर्ब्स के लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनके बेटे बन गए, तो वो थोड़ा पैसा रखते हैं ना। अरे बस जिसके पास सारा पैसा है उसका बेटा तो आप ऑलरेडी हो, ये रिलेशन तो जान लो, दैट इज नॉलेज, नॉलेज विच विल गिव यू रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, एंड द सोल इज कनेक्टेड विद द सुपर सोल। आप एक आत्मा हो और परमात्मा के साथ आपका संबंध है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें ये जानना भी ज्ञान है। सिर्फ संबंध में प्राप्त होने से क्या फायदा, ठीक है आपके पिताजी वो हैं, तो उनके पास पहुंचे कैसे, उनके साथ हमारा संबंध कैसे बने, वो भी वही है असली ज्ञान, दैट्स रियल नॉलेज। सो ये ज्ञान उनके अंदर नहीं रहता है, क्यों, उनको यही नहीं पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बराबर उल्टा करते हैं। अज्ञानी असुर व्यक्ति क्या करेगा, अज्ञान है, अज्ञानी है तो क्या करेगा, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो पहले करेगा, और जो कार्य नहीं करना चाहिए, सॉरी जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करेगा। दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डेमन, एक राक्षस का, असुर का यही एक पहचान है। इसके दो लाइन, ना सौच्यम ना अपि आचरो ना सत्यम तेषु विद्यते, ये आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, दिस टू वर्सेस दिस टू लाइंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आई हैव गॉट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डिस्कस्ड। फर्स्ट एंड